बेसिकली जब किसी को सीकेडी हो जाता है तो उसके लिए हमको बहुत सारी चीजें जिसको कंट्रोल करना चाहिए। पहले तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट रहना चाहिए कि प्रोटीन अगर ज्यादा देंगे तो किडनी को और डैमेज होने का प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाएगी। तो प्रोटीन हम रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, प्रोटीन हम 0.6 या 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। अगर वही पेशेंट डायलिसिस में आ गया तो प्रोटीन को हम बढ़ा देते हैं 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। और कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो सीकेडी पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए, जो कि जैसे कि पोटेशियम वाली चीजें हैं, जो भी सिट्रस फ्रूट वो सब में पोटेशियम कंटेंट ज्यादा होता है, नारियल पानी हो गया, ये सब। तो ये सब चीजों को पेशेंट को हमेशा एकदम बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को और भी एक एडवाइस रहेगा कि कभी भी ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें और कभी भी पेन किलर्स अपने मन से ना खाएं। ये सब चीजें किडनी डैमेज करती हैं।